रात को इसका ससुर मारा, बहुत मार मारा। हमने हॉस्पिटल में बोला सुबह में हम लोग आएगा, रात को मारा था इसलिए सुबह में हम लोग गया 25 को, बच्ची को हम लोग सरकारी अस्पताल में थाने के सामने करवाया दवा, बहुत मार मारा। गोलागतानी समाचार बटुए बक्सर से रिपोर्टर बानी वरिष्ठ पत्रकार संजय उपाध्याय जी। खबर के हेडलाइन सुनी, दहेज उत्पीड़न के शिकार बनली नवविवाहिता, न्याय के आस में पहुंचली एसपी ऑफिस, कहली भाई या बाबूजी के फंसावे खातिर ससुर रच दिले अपहरण के साजिश। जी हाँ, आँख के आंसू, ये बाप इहे कह रहल बा। एगो बहुत पहले भरत शर्मा के गाना आई रहे कि जनती जे जारल जे बुआग में दहेज के, पाप ना ही करती ये बेटी ससुरा में भेज के। हालांकि लड़के अपना ससुराल से तो आ गई, लेकिन एकर बाप के आंसू थमे के नाम नहीं खेले। मामला का बटुए विस्तार से जानी। मंगर के न्याय के फरियाद के लेके दहेज उत्पीड़न के शिकार बनल एगो नवविवाहिता अपन घर भर के साथे पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुँच गई, जहाँ पीड़िता एसपी के पास आवेदन देत ना अपन दुखड़ा कहली, बल्कि ससुर अजय राय पे गंभीर आरोप लगावत कहली कि उनकर भाई या बाबूजी के किडनैपिंग के झूठा केस में फंसावल चाह रहल बड़न। मिलल जानकारी के अनुसार पीड़िता के नाम बेबी देवी, पिता उमेश पाठक, ग्राम पोस्ट यासो, थाना मुफसिल है। यह युवती के ब्याह यही वर्ष मई 2021 तारीख के हिंदू रीति रिवाज चौंसा प्रखंड के न्यायपुर गाँव निवासी तृणमूल कांग्रेस नेता अजय राय के पुत्र पंकज राय के साथ भइल रहे। वही जे लड़की के बाबूजी उमेश पाठक के आरोप बा कि शादी के बाद अगले दिन दहेज खातिन कर बेटी देवी के साथ, बेबी देवी के साथ ससुराल वाला मारपीट आ गाली गलौज करे लगलन। जबकि उमेश पाठक आ पीड़ित के कहना बा कि शादी से पहले ही ससुर अजय राय 7 लाख रुपया दहेज के रूप में ले चुकल बड़न। वही जे झांसा दे के नौकरी के फर्जी कागजात दिखा के शादी कइल गई। पीड़िता के कहना बा कि दहेज खातिर जब उनको ससुराल में मारपीट कई जाए लगल तो शादी के कुछ ही दिन बाद अपना गाँवे आ गली, जहाँ से पल्ली बढ़ली। वही बार बार धमकी मिलला के बाद ससुराल वाला के खिलाफ महिला थाना में दहेज उत्पीड़न के केस दर्ज करैली। पीड़िता के कहना बा कि उनकर मामला पटना हाई कोर्ट तक चल गई बा। वही कानून के शिकंजा कसे के डर से इनकर ससुर अजय राय आ पति पंकज राय छोट बच्चा के सहारा लेके इनकर भाई या बाबूजी के फर्जी अपहरण के केस में फंसावे के साजिश रचले बड़न, जेकरा के लेके वो लोग एसपी के पास न्याय के गुहार लगेले बड़न। बता कि दीग मुफसिल थाना अंतर्गत बिगर 18 दिसंबर के एगो सुगली बच्चा के अपहरण के कोशिश के खबर भोजपुरिया समाचार देखले रहे, जेकरा के लेके थाना में नामजद FIR भी दर्ज करावल गई रहे, वही घटनाक्रम से जुड़ल रहे। अब देखे के बाद घाट लाग जाए, बढ़िया घर में ब्याह हो जाए, लेकिन धोखा से हमार लड़किया के ब्याह कली है लोग आ कैला के बाद दहेजबो के दिने ड्रामा कैलो। आ एकरा अलावे जहिया तिलक चढ़त रहे ओहू दिने ड्रामा कैलो। अब नया एगो ढकोसला रच के केस में फंसावल चाहता लोग। भोजपुरिया समाचार जहिया अपहरण के सुनी बयान। अजय राय मेरे ससुराल के हैं, जो न्यायपुर के चौसा के हैं, और परमिला राय जो मेरी सास है, झूठ मूठ का ब्लेम लगा रही है उन लोग पापा को और भाई को कि उनका लड़का किडनैप हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं है। कल मुफसिल, हम लोग बक्सर के निवासी हैं, तब मुफसिल थाना हम लोग के लिए नहीं है, है ना? तब हम लोग बक्सर छोड़ दे, दूसरा ठेप तो नहीं जा सकते हैं ना। तो आप ये बताइए, ये जो विवाद है, विवाद मूल शादी का लेकर हुआ है, दहेज के लिए अजय राय मेरे ससुराल वाले हैं जो बहुत हमसे मारपीट किए। 21 मई में शादी हुआ मेरा, 21 तारीख को विदाई हुए, 22 तारीख को विदाई हुए, और 24 तारीख को हमसे मारपीट किया अजय राय और परमिला राय मेरी सास ससुर, दहेज के लिए, एसी बुलेट के लिए। इसी में बोल रहे हैं कि हाई कोर्ट चला गया है हम लोग का केस वहाँ पे, तो उन लोग सोच रहे हैं कि केस वापस हम लोग ले लें, यही कारण है सर। उन लोग धमका रहा है फोन पे। हाँ हाँ केस किया था क्या पहले? हाँ, तुम लोग केस वापस ले लो, नहीं तो और आगे
बहुत ही करेंगे, जबकि अजय रे 3 साल जेल में है, उन लोग जेल में था, बहुत लूट पाट करता था, नौकरी का बहाना पैसा लूटता था, नौकरी का बहाना मतलब। तो शादी सब... के कितने दिनों के बाद आपको ससुराल से वापस लौटना पड़ा? अभी तो एक महीना रहे वहाँ पे, कैसे कैसे एड्रेस की वो किए सब, मतलब कि उसमें भी नोक झोंक मार पीट सब, मतलब बोलते रहे खाना टाइम, हाँ दहेज के लिए खाना टाइम टेबल नहीं देते थे, खाना टाइम टेबल नहीं देते थे हमको, 2 दिन में ही मारे हमको। क्या करते हैं? कुछ नहीं करते, झूठ मूठ के नकली सर्टिफिकेट दिखा कर बोले कि इतना मतलब 35,000 लड़का जॉब इसी करता है, पैसा पाता है, कुछ नहीं करता है, सिर्फ मतलब क्या नाम है उनका, पंकज राय नाम है, कुछ करते नहीं, कुछ नहीं करते हैं, 8 तक पढ़े हैं और एज भी ना दूसरा मतलब आधार कार्ड बनाकर हम लोग को दिखा दिए, पैसा हम लोग के 7 लाख रुपया लिए हैं, नगद लिया है हाथे हाथे 5 लाख का पापा सामान दिए, फिर भी खुश नहीं उन लोग। अब बोल रहे हैं कि बोल रहे हैं मनी देवी नाम है, घर जासू बक्सर है। इसमें हम अपना जमीन बेचे, जमीन बेच करके हमने अजय राय को बातू जब हो गया तो 20 में हमने कहा कि ये कागज देखिए, हमारा लड़का जॉब करता है पंकज राय, हमने उसको पैसा दिया 7 लाख रुपया 2 बार में दिया है, वो बंगलोर के कागज हमको दिखाया, कागज हम कोर्ट में दाखिल कर चुके हैं सर, एसपी साहब को भी दिए हैं यहाँ पर, वो हमको दिखा करके सर हमारा वो एक बार 3 लाख का कोर्ट बने जाइए, वहाँ बिहाने हमसे लिया 3 लाख, फिर खिचड़ी के दिन 14 तारीख को आकर के 21 में पहला महीना में सर आकर के हमसे 4 लाख रुपया घर पर ले गया, और सब हमने विदाई अच्छा से किया, ब्याह किया, हमारे साथ जब लेके आया सोना के नाम पर पैसा लिया था तो गहना लेके बड़ा बड़ा आया सर, तो वो सब पीतल का था, जब हम बोले कि थाना को हम बुलाएंगे केस करेंगे तो बाप बेटा पंकज का भाई छोटा जो था रोशन अजय राय दोनों उसी समय भाग गया सर, सड़क से भाग गया, बड़ा भाई बोला कि पाठक जी गहनवा भी पहनेंगे तो घर ही ना ले जाएगी, तो हम बोला कि हाँ ठीक है, तो गांव घर बोला कि जाने दीजिए संपन्न होने दीजिए सर, हमने संपन्न कराया 22 तारीख को हमने विदाई कर दिया 2021 में माने मई में सर, ठीक ना 22 तारीख 5वां महीना 2021 में विदाई किए, और ठीक 24 तारीख को रात को इसका ससुर मारा, बहुत मार मारा, हमने हॉस्पिटल में बोला सुबह में हम लोग आएगा, रात को मारा था इसलिए सुबह में हम लोग गया 25 को बच्ची को हम लोग सरकारी अस्पताल में थाने के सामने करवाया दवा, बहुत मार मारा। ठीक है।